नमस्कार, आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी। आपके साथ मैं हूं अंकिता। सबसे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। ह्यूस्टन में हाउडी मोदी इवेंट में हिस्सा लेने के बाद न्यूयॉर्क पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में जलवायु परिवर्तन पर सम्मेलन को आज करेंगे संबोधित। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज और आतंकवाद से जुड़े मुद्दों पर अलग अलग उच्च स्तरीय बैठकों में भी लेंगे हिस्सा। कतर और इटली समेत कई देशों के शीर्ष नेतृत्व से भी मुलाकात का कार्यक्रम। आतंकवाद और इसके संरक्षकों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई का समय। अमेरिका के ह्यूस्टन में हाउडी मोदी इवेंट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान। भारत अमेरिका संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाने का किया आह्वान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कट्टरपंथी इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की जताई प्रतिबद्धता। बालाकोट में फिर सक्रिय आतंकी। सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत का बड़ा बयान। कहा, सीमा पार से घुसपैठ की कोशिश में आतंकवादी, किसी भी हालात से निपटने के लिए सेना पूरी तरह से तैयार। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को सर्च ऑपरेशन के दौरान बड़ी कामयाबी। कठुआ में 38 किलोग्राम से ज्यादा विस्फोटक बरामद। मामले में एक शख्स गिरफ्तार, पूछताछ जारी। कॉरपोरेट टैक्स घटने, शेयर बिक्री पर टैक्स में राहत के ऐलानों का असर। सेंसेक्स 1400 अंक को पार कर पहुंचा 29,200। पिछले दो सत्रों में सेंसेक्स में 2500 से ज्यादा अंकों की बढ़त। निफ्टी भी 11,000 के पार। ह्यूस्टन में हाउडी मोदी को संबोधित करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क पहुंच चुके हैं। न्यूयॉर्क पहुंचने पर भारतीय समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है। यहां वो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव की ओर से आयोजित शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और समिट को संबोधित करेंगे। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज पर उच्च स्तरीय बैठक भी प्रधानमंत्री शामिल होंगे। आतंकवाद के मसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई देशों के नेताओं से मिलेंगे। न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली और कतर के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नामीबिया और मालदीव के राष्ट्रपति से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। इसके अलावा वो यूनिसेफ की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से भी मुलाकात करेंगे। न्यूयॉर्क में 24 सितंबर को राष्ट्रपति ट्रंप से द्विपक्षीय मुलाकात होगी, जिस दौरान दोनों नेताओं के बीच आपसी हितों और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी यात्रा के आखिरी दिन 27 सितंबर की सुबह संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। अमेरिका के ह्यूस्टन में आयोजित हाउडी मोदी इवेंट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बदलते भारत की तस्वीर पेश की। साथ ही भारत अमेरिका के बीच लगातार मजबूत हो रहे संबंधों का भी जिक्र किया। वहीं पाकिस्तान का नाम लिए बिना आतंकवाद को संरक्षण देने के लिए पड़ोसी देश पर निशाना भी साधा। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में पाकिस्तान को आतंकवाद का गढ़ करार देते हुए कहा कि 9/11 हो या मुंबई में 26/11, उसके साजिशकर्ता कहां पाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने भारत के प्रति नफरत को ही अपनी राजनीति का केंद्र बना दिया है। ये वो लोग हैं जो अशांति चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर से 370 हटाए जाने पर पाकिस्तान के विरोध को लेकर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि भारत अपने यहां जो कर रहा है उससे कुछ ऐसे लोगों को भी दिक्कत हो रही है जिनसे खुद अपना देश संभल नहीं रहा है। उन्होंने कहा, अब समय आ गया है जब आतंकवाद और उसे बढ़ावा देने वालों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी जाए। भारत अपने यहां जो कर रहा है उससे कुछ ऐसे लोगों को भी दिक्कत हो रही है जिनसे खुद अपना देश संभल नहीं रहा है। ये वो लोग हैं जो अशांति चाहते हैं,
आतंक के समर्थक हैं, आतंक को पालते पोसते हैं। अमेरिका में 9/11 हो या मुंबई में 26/11 हो, उसके साजिशकर्ता कहां पाए जाते हैं। अब समय आ गया है कि आतंकवाद के खिलाफ और आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी जाए। इस लड़ाई में प्रेसिडेंट ट्रंप पूरी मजबूती के साथ आतंक के खिलाफ खड़े हुए हैं। एक बार आतंक के खिलाफ लड़ने का राष्ट्रपति ट्रंप का जो मनोबल है, हम सब मिलकर के उनको भी स्टैंडिंग ओवेशन देंगे। स्टैंडिंग ओवेशन का पहला मौका तब आया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के सांसदों ने 2/3 बहुमत से जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को खत्म किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने से वहां के लोगों को समान अधिकार मिला है, साथ ही आतंकवाद और अलगाववाद पर भी करारा प्रहार हुआ है। आर्टिकल 370 ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को विकास से और समान अधिकारों से वंचित रखा था। इस स्थिति का लाभ आतंकवाद और अलगाववाद बढ़ाने वाली ताकतें उठा रही थी। अब भारत के संविधान ने जो अधिकार बाकी भारतीयों को दिए हैं, वही अधिकार जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को भी मिल गए हैं। हमारी पार्लियामेंट के अपर हाउस और लोअर हाउस दोनों ने इससे जुड़े फैसलों को 2/3 बहुमत से पास किया है। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं हिंदुस्तान के सभी सांसदों के लिए स्टैंडिंग ओवेशन हो जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और अमेरिका के संबंधों का भी जिक्र किया। उन्होंने दुनिया के लिए दोनों देशों के संबंधों को महत्वपूर्ण करार देते हुए कहा कि हम यहां नई हिस्ट्री और केमिस्ट्री बनते हुए देख रहे हैं। एनआरजी स्टेडियम की ये एनर्जी भारत और अमेरिका के बीच बढ़ती सिनर्जी की गवाह है। पीएम मोदी ने कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप का यहाँ आना और अमेरिका की महान डेमोक्रेसी के अलग अलग प्रतिनिधियों का आना भारत के 1.3 अरब लोगों का सम्मान है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस साल जब भारत महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाएगा तो खुले में शौच से मुक्ति दे देगा। उन्होंने कहा कि हमने अच्छी योजनाओं से वेलफेयर किया है, जबकि बेवजह बाधा पैदा करने वाली चीजों का फेयरवेल भी किया है। जरूरतमंद नागरिकों के लिए वेलफेयर स्कीम चलाने के साथ साथ नए भारत के निर्माण के लिए कुछ चीजों का फेयरवेल भी दिया जा रहा है। हमने जितना महत्व वेलफेयर को दिया है, उतना ही फेयरवेल को भी दे रहे हैं। इस 2 अक्टूबर को जब देश महात्मा गांधी की 150वीं जन्म जयंती मनाएगा तो भारत ओपन डेफिकेशन को फेयरवेल दे देगा।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका कट्टरपंथी इस्लामिक आतंकवाद से निर्दोष लोगों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। जब ट्रंप ने ये बात कही उस समय प्रधानमंत्री मोदी समेत स्टेडियम में मौजूद सभी लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगे। उन्होंने कहा कि दोनों देश इससे मिलकर लड़ेंगे। ट्रंप ने अपने भाषण में सीमा सुरक्षा का भी जिक्र किया। We stand proudly in defense of liberty, and we are committed to protecting innocent civilians from the threat of radical Islamic terrorism. Both India and the United States also understand that to keep our community safe, we must protect our borders. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत 30 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाल पाया है और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में लोग उभरता हुआ भारत देख रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि व्हाइट हाउस में भारत का विश्वसनीय दोस्त है। ट्रंप ने इस साल नवंबर में दोनों देशों की तीनों सेनाओं के संयुक्त अभ्यास की घोषणा की। उन्होंने भारत के साथ संबंधों की मजबूती के लिए जल्द ही कई रक्षा सौदों पर हस्ताक्षर का ऐलान भी किया। U.S. defense sales to India have also reached $18 billion over the past decade. We make the greatest defense mechanisms and equipment anywhere in the world, and India knows that well. We're looking forward to concluding several new defense deals very soon. There are a lot of them in the works. Here in America, we're creating the United States Space Force, and we're working closely with India to enhance space cooperation. हाउडी मोदी कार्यक्रम में अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत और अमेरिका के व्यापार पर भी चर्चा की। ट्रंप ने कहा कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि भारतीयों तक अमेरिका की बनी शानदार चीजें पहुंचे। उन्होंने कहा कि ऐसा ही एक और वर्ल्ड क्लास अमेरिकी प्रोडक्ट NBA बास्केटबॉल गेम इंडिया पहुंच रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अगले सप्ताह मुंबई में होने वाली NBA प्रतियोगिता में आने की इच्छा जाहिर की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को परिवार के साथ भारत आने का न्योता भी दिया। India has never invested in the United States like it is doing today, and I want to say it's reciprocal because we're doing the same thing in India. And very soon, India will have access to another world-class American product, NBA basketball. Wow. Sounds good. That sounds good. Next week, thousands of people will gather in Mumbai to watch the first ever NBA basketball game in India. Am I invited, Mr. Prime Minister? I may come. Be careful. I may come. Mr. President, मैं चाहूंगा कि आप सब परिवार भारत आए। हम अपना और आप हमें अपना स्वागत करने का अवसर दें। हम दोनों की ये दोस्ती भारत अमेरिका के शेयर्ड ड्रीम्स और वाइब्रेंट फ्यूचर्स को नई ऊंचाई देगी। कार्यक्रम के दौरान ट्रंप और मोदी की जबरदस्त बॉन्डिंग भी देखने को मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के दौरान लगातार ट्रंप मुस्कुराते रहे और कई बार उन्होंने ताली भी बजाई। बड़ी संख्या में जमा हुए भारतीय अमेरिकियों ने भी दोनों नेताओं का जोरदार स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के बीच किसी बात को लेकर कुछ चर्चा हुई। इस दौरान दोनों नेता हल्के फुल्के अंदाज में नजर आए और हंसते हुए दिखे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ पकड़कर NRG स्टेडियम का चक्कर भी लगाया और वहां मौजूद लोगों का अभिवादन किया। अपने भाषण के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने एक कविता भी सुनाई। वो जो मुश्किलों का अंबार है,
वो जो मुश्किलों का अंबार है वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। कार्यक्रम की सफलता पर केंद्रीय मंत्रियों और बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कई ट्वीट और रीट्वीट किए और अमेरिका भारत के बीच मजबूत साझेदारी की बात कही। पीएमओ के ट्विटर हैंडल से शेयर किए वीडियो को शेयर करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने लिखा, अमेरिका भारत से प्यार करता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने विदेश मंत्रालय के एक ट्वीट को भी रीट्वीट किया और उसके साथ लिखा, अद्भुत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता अब वैश्विक स्तर पर है, ये भारत के नागरिकों की पहचान है। #HowdyModi इवेंट की सफलता दिखाती है कि नया भारत पीएम मोदी के नेतृत्व में कितना बदल रहा है। हाउडी मोदी कार्यक्रम में हिस्सा लेने के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ह्यूस्टन में कुछ और कार्यक्रमों में भी हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजराती समाज के ह्यूस्टन इवेंट सेंटर और ह्यूस्टन में श्री सिद्धि विनायक मंदिर का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने ह्यूस्टन में इंटरनल गांधी संग्रहालय के भूमि पूजन समारोह की पटिका का भी अनावरण किया। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। सेना प्रमुख बिपिन रावत ने कहा है कि पाकिस्तान ने बालाकोट में आतंकी कैंपों को फिर से सक्रिय कर दिया है। चेन्नई में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत के एयर स्ट्राइक में बालाकोट को ध्वस्त कर दिया गया था, लेकिन पिछले 8 महीनों में पाकिस्तान इस जगह पर फिर से आतंकी गतिविधियां करने लगा है। सेना प्रमुख ने कहा कि सेना ने सीमा पर पूरी तरह की तैयारी की हुई है और नियंत्रण रेखा पर और भी सैनिकों को तैनात किया गया है। 26 फरवरी को भारत ने पाकिस्तान स्थित बालाकोट में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक किया था। इस एयर स्ट्राइक में जैश के ट्रेनिंग कैंप पूरी तरह से नष्ट कर दिए गए थे। बालाकोट हैज बीन रीएक्टिवेटेड, इट्स बीन रीएक्टिवेटेड बाय पाकिस्तान। व्हाट हैज बीन सर, व्हेन इट हैज बीन? इट्स वेरी रिसेंटली। So obviously that shows that Balakot was affected. It had been damaged and destroyed, and that is why people had got away from there. It has now been reactivated, which just goes to highlight that yes, some action had been taken by the Indian Air Force at Balakot, and now they've got the people back there. जम्मू कश्मीर के कठुआ में सुरक्षा बलों को सर्च ऑपरेशन के दौरान बड़ी कामयाबी मिली है। कठुआ में सर्च ऑपरेशन के दौरान 38 किलोग्राम से ज्यादा विस्फोटक बरामद हुए हैं। अधिकारी ने बताया है कि बिल्लावर तहसील के मल्हार बेल्ट में तलाशी अभियान के दौरान ये बरामदगी हुई। इस मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है और पूछताछ की जा रही है। जम्मू पुलिस ने किश्तवाड़ में पिछले 1 साल में हुई 4 आतंकी घटनाओं को सुलझा लिया है। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। जम्मू क्षेत्र से IGP मुकेश सिंह ने इस बात की जानकारी दी। IGP के मुताबिक इन आरोपियों को बीजेपी नेता चंद्रकांत शर्मा और उनके PSO की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार लोगों में से एक का नाम निसार अहमद शेख है, जो बीजेपी नेता अनिल परिहार की हत्या की साजिश का हिस्सा था और हत्या के वक्त घटना स्थल पर मौजूद था। हमने निसार अहमद शेख, निषाद और आजाद हुसैन तीनों को गिरफ्तार किया है। इनकी डिस्क्लोजर पे, इनके हाइड आउट्स पे रेड डाली गई है, उसमें कई चीज़ें बरामद हुई हैं, जिसमें पाउच है, मैगजीन्स हैं, एम्यूनिशन है, कुछ पिस्टल्स हैं, राइफल हैं, ये सारी चीज़ें बरामद हुई हैं। और इस प्रक्रिया के दौरान हमने बाकी कई लोगों से भी पूछताछ की है, इन्वेस्टिगेशन जारी है। जिन लोगों की इन्वॉल्वमेंट इन केसेस में आती जाएगी, उन लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश के सभी नागरिकों के लिए पासपोर्ट, आधार, मतदाता पहचान पत्र समेत सभी पहचान पत्रों को मिलाकर एक बहुउद्देशीय ID कार्ड का प्रस्ताव रखा है।
दिल्ली में जनगणना भवन का शिलान्यास करते हुए उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि 7 मंजिला इमारत का निर्माण 2021 तक पूरा कर लिया जाएगा। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये पूरी इमारत ग्रीन बिल्डिंग होगी। उन्होंने कहा कि इस बार 16वीं जनगणना होगी। पेन और पेपर से शुरू हुई जनगणना अब डिजिटल होने जा रही है। उन्होंने जनगणना में जनभागीदारी बढ़ाने पर भी जोर दिया। इस 16वीं जनगणना होने जा रही है। कई बदल होते 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 नई पद्धति बनते 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 आज जनगणना डिजिटल भी होने जा रही है। एक मोबाइल ऐप से हम जनता को भी अपना परिचय, अपने परिवार का परिचय, अपने परिवार की संपूर्ण इंफॉर्मेशन अपने आप लोड करने के लिए भी ऑप्शन दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में नव नियुक्त 4 जजों ने आज शपथ ली। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस एस आर भट्ट, जस्टिस वी राम सुब्रमण्यम और जस्टिस ऋषिकेश रॉय को शीर्ष न्यायालय के न्यायाधीश पद की शपथ दिलाई। इसके साथ ही शीर्ष न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर 34 हो गई है। ये अब तक की सर्वाधिक संख्या है। जस्टिस सुब्रमण्यम हिमाचल प्रदेश और जस्टिस मुरारी पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, तो वहीं जस्टिस भट्ट राजस्थान हाईकोर्ट और जस्टिस रॉय केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। शीर्ष न्यायालय में काफी संख्या में मामलों के लंबित होने को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने हाल ही में उच्चतम न्यायालय में प्रधान न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीशों की संख्या 31 से बढ़ाकर 34 की थी, जो अब तक की सर्वाधिक संख्या है। समस्तीपुर लोकसभा सीट समेत 66 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस सीटों के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 30 सितंबर होगी। नामांकन पत्रों की जांच 1 अक्टूबर को होगी। 3 अक्टूबर तक प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकेंगे। इन सीटों पर 21 अक्टूबर को मतदान होगा, जबकि नतीजों का ऐलान 24 अक्टूबर को किया जाएगा। वहीं 4 राज्यों की 4 विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। जिन विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव हो रहा है उसमें छत्तीसगढ़ की दंतेवाड़ा, केरल की पाला, त्रिपुरा की बाधरघाट और उत्तर प्रदेश की हमीरपुर सीट शामिल है। मतदान को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। मतदान को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 4 सीटों पर मतगणना 27 सितंबर को होगी। कॉरपोरेट टैक्स में कटौती के बाद से ही घरेलू शेयर बाजार में जारी तेजी सोमवार को भी जारी है। शेयर बाजार में आज शुरुआती कारोबार में ही जबरदस्त तेजी देखने को मिली। बीएसई सेंसेक्स 1260 अंक की बढ़त के साथ 39274 के स्तर पर कारोबार कर रहा है, तो वही एनएसई निफ्टी भी 268.50 अंक की बढ़त के साथ 11500 पर पहुंच गया है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के कार्यान्वयन का आज 1 साल पूरा हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड की राजधानी रांची में 23 सितंबर 2018 को इस योजना का शुभारंभ किया था। केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना को जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। अब तक 44,55,228 लोग इस योजना का लाभ उठा चुके हैं। साथ ही 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को ई कार्ड्स भी बांटे जा चुके हैं। इस योजना में अब तक 16,000 से ज्यादा अस्पतालों को जोड़ा जा चुका है। आयुष्मान भारत योजना को शुरू करने का मकसद देश के आम लोगों को स्वास्थ्य बीमा का फायदा देना है। इस योजना के तहत 10 करोड़ गरीब और कमजोर परिवारों की सेहत के लिए एक फ्लैगशिप राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना शुरू की गई है। इस योजना से लगभग 50 करोड़ लोगों को फायदा होगा, जो कि देश की आबादी का 40% हिस्सा है। योजना के तहत द्वितीय और तृतीय देखरेख अस्पताल में भर्ती होने के लिए हर परिवार को 5,00,000 रुपये सालाना तक का स्वास्थ्य कवर कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत योजना को लेकर ट्वीट किया है। प्रधानमंत्री ने लिखा है कि आयुष्मान भारत योजना सिर्फ एक स्वास्थ्य योजना नहीं है, ये भारत के सबसे कमजोर 50 करोड़ से अधिक लोगों के लिए आशा की किरण है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।